गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा रंग तरंग लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया। कार्यक्रम में लोक संगीत द्वारा लोक जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर सजीव चित्रण भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय की प्रथम महिला गीता सिंह कुलपति, प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह प्रति कुलपति, प्रोफेसर हरिशरण कुल सचिव, डॉक्टर ओम प्रकाश कार्यक्रम के संयोजका एवं ललित कला एवं संगीत विभाग की अध्यक्ष उषा सिंह सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में जीवन से जुड़े पहलुओं को उजागर करने वाले लोक संगीत की प्रस्तुति की गई। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए ललित कला विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह ने कहा, ललित कला एवं संगीत विभाग का संगीत का कार्यक्रम जिसमें पुरानी यादों को तरोताजा करते हुए आपको अपने किसी यादें ललित कला एवं संगीत विभाग की क्षण आप सभी को प्रभावित करेगी मन भाई। माननीय प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी मुख्य अतिथि उपस्थित है, इनका भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में कला संकाय के अधिष्ठाता समारोह के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत ललित कला एवं संगीत विभाग रंग तरंग 2 के अंतर्गत
ये लोक संगीत का कार्यक्रम हमारी छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक लोकगीत जो जन्म से लेके विवाह तक, विदाई तक और बहुत सारे बीच में जो गीत संगीत होते हैं गाँव में, घरों में हुआ करते थे, उनको हम लाने की कोशिश किए हैं इस मंच पर। संगीत विलुप्त तो नहीं हो रहा है, हमारे व्यवहार से दूर होता चला जा रहा है, जिसको भी पुनः व्यवहार में लाने के लिए कि लोक संगीत गाने में अपनी बेइज्जती है। अच्छा लोक संगीत है, लोक संगीत बहुत ही अच्छा है, बहुत मिठास है, बहुत है, उसको सामने लाने का ये एक अथक प्रयास है और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ेगा।